मेरा नाम है सुनील यादव और आप सभी का ऑनलाइन सेवा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम आपके लिए पांच ऐसी कमाल की वेबसाइट बताने वाला हूं जहां आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के लिए फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहां पर किसी भी सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं बिना कोई पैसे खर्च किए। तो आइए चलते हैं अपने पहले वेबसाइट की ओर। हमारी पहली वेबसाइट है getintopc.com। यह इस वेबसाइट बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पर आप अपने लेटेस्ट वर्जन का सॉफ्टवेयर आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे getintopc.com। हमारी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल बहुत ही आसानी से। यहाँ पर पूरी वेबसाइट लोड हो जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च बार में आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, बस आप उसका यहाँ पे नाम टाइप करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे, वह सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे फोटोशॉप डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एडोब फोटोशॉप। यहाँ पर इसके बाद गो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फोटोशॉप के एडोब के जितने भी सीरीज होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 47 पेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि इसमें एडोब के सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। आप यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर को सर्च कर डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर एडोब फोटोशॉप को यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ। इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे तो यह हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा और यह जिप फाइल में होगा। यहाँ पे इसका पासवर्ड भी दे दिया गया है कि इसका पासवर्ड क्या है। जैसे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यह सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कुछ समय प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में IDM इंस्टॉल है तो यह डायरेक्टली आपको IDM पर लेकर चला जाएगा और वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा IDM ओपन हो गया है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता हूँ। अब इसकी फाइल की साइज़ क्या है आप यहां पर देख सकते हैं, 2.27 GB की फाइल है। मैं इसे डाउनलोड नहीं करूंगा, केवल आपको दिखाने के लिए हमने इसको ओपन किया है। आइए हम चलते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट की ओर जिसका नाम है download.com। अपने यहां पर हम अपना एक नया टैब खोलेंगे, यहां से लिखेंगे download.com। आप यहां पर देख सकते हैं download.com की वेबसाइट यहां पर ओपन हो चुकी है। यहां पे कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस नज़र आएगा। आप यहां पर विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर गेम भी बहुत सारे दिए गए हैं। उसके बाद आप कुछ भी यहां से कोई भी सॉफ्टवेयर इसका यहाँ पर क्रैक वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले वेबसाइट की ओर जिसका नाम है filehippo.com। यहाँ पर हम एक नया टैब खोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे filehippo.com। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं filehippo की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई है। आप यहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। आप यहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोरेंट है, गूगल क्रोम है, अवस्त एंटीवायरस है, एडोब रीडर है, BLC और भी बहुत सारे कुछ इस यहाँ पर सॉफ्टवेयर दिए गए हैं
VPN भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, गेम भी डाउनलोड कर सकते हैं, MS ऑफिस के सारे पैकेज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, आप यहाँ पर विजिट करके कोई भी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के लिए या फिर लैपटॉप के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले वेबसाइट की ओर, जिसका नाम है soft32.com। यहाँ पर हम अपना एक नया टैब खोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे soft32.com, इसके बाद एंटर कर देंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से soft32 की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। हमें कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, यहाँ पर हम उसका नाम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, या फिर अगर हमें मैक के लिए डाउनलोड करना है तो मैक के लिए कर लेंगे, मोबाइल के लिए करना है मोबाइल के लिए कर लेंगे। यहाँ पे सारे क्रैक वर्जन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि ये बिल्कुल फ्री होते हैं। आइए पढ़ते हैं हम अपने अगले वेबसाइट की ओर, जिसका नाम है filepuma.com। यहाँ पर हम एक नया टैब खोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फाइल filepuma.com, इसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फाइल पुमा की वेबसाइट यहाँ पर खुल जाएगी। यहाँ से भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर क्रैक वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मिलते हैं, अपडेटेड सॉफ्टवेयर रहते हैं। आप यहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर अपने विंडोज़ या मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी आप देख सकते हैं क्या क्या कैटेगरी हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स ब्राउज़र में है, प्लगइन्स है, डेवलपर टूल है, इंटरनल नेटवर्क और भी बहुत सारे इसमें हैं, यूटिलिटी भी दी गई है इसमें। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप में इसको आसानी से रन कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।